हाय, मैं हूँ छवि। मैं लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी टॉप 10 न्यूज़। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 20 नवंबर को अपने दिव्यगत पिता कृष्ण राज की जयंती मनाई। इस अवसर पर एक्ट्रेस ने अपने पिता और अपनी बेटी आराध्या की पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं और एक इमोशनल नोट लिखा है। पोस्ट में उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता जैसा कोई नहीं है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें शेयर की। सलमान खान के लीड रोल वाली टाइगर 3 को लेकर उनके दोस्त सनी देओल ने सोशल मीडिया पर उन्हें अनोखे अंदाज में बधाई दी है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कुल कलेक्शन लगभग 371 करोड़ रुपए है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई के बाद अब सनी देओल इंस्टाग्राम पर सल्लू भाई के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, जीत गए। गोविंदा ने खुलासा किया कि जब वे डेविड धवन से दिवाली पार्टी में मिले थे तो उनका विवाद पहले ही सुलझ चुका था। इस विवाद को गोविंदा और धवन ने कई साल बाद अब खत्म कर लिया है। जी हां, गोविंदा और डेविड धवन का पैचअप हो गया है। गोविंदा ने फाइनली अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर डेविड धवन के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए हैं। दोनों को रमेश तुरानी की दिवाली पार्टी में साथ में पेपराजी के आगे पोज देते देखा गया था। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने दुनिया भर में ठीक कमाई की है। अब फिल्म की सक्सेस पर पहली बार सलमान खान ने रिएक्शन दिया है। सलमान ने कहा, टाइगर की 3 फिल्में आई हैं जिनमें सफलता की कहानी दिखाई गई। टाइगर फ्रेंचाइजी मेरे दिल में बसती है और मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि हमारी फिल्म ने दर्शकों के दिल में भी अपनी जगह बनाई है। सारा अली खान अभिनीत ए वतन मेरे वतन का फर्स्ट लुक जारी किया गया। ए वतन मेरे वतन सच्ची घटना से प्रेरित एक थ्रिलर ड्रामा है और इसमें सारा अली खान एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी है। उषा मेहता का किरदार निभाती सारा अली खान इस फिल्म में नजर आएंगी। अब करण ने फिल्म का नया मोशन पोस्टर जारी किया है। करण ने सोमवार 20 नवंबर को इंस्टाग्राम पर फिल्म के लिए सारा का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 में सारा अली खान और अन्या पांडे मेहमान बनकर आई। वहीं दोनों एक्ट्रेस ने अपनी लव लाइफ को लेकर बात की। सारा अली खान ने कार्तिक आर्यन से अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की, जिसके बाद अब कार्तिक आर्यन ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। कार्तिक ने कहा, एक चीज मुझे लगती है, रिलेशनशिप अगर 2 लोगों की है तो दूसरे इंसान को भी वो बात नहीं करनी चाहिए। हम सबको अपने रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण के चैट शो में कियारा को लेकर कहा, मैं लगभग 16 साल पहले मुंबई आया था और शुरुआती सालों में दोस्तों के साथ अकेले रहता था। मैंने कमरे और अपार्टमेंट शेयर किए और अब मेरे पास एक इंसान है जिसे मैंने डेट किया और जाहिर है उनमें बहुत प्यार है। मैं अब ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास अब एक और इंसान है जिसका मुझे ख्याल रखना है। हम दोनों ही बहुत पारिवारिक हैं। रणबीर कपूर और शाहिद कपूर के साथ डेटिंग की अफवाह पर नरगिस फाकरी ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, मेरा नाम फिल्म इंडस्ट्री में हर दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ा गया। एक बार एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था मैं शाहिद कपूर के अपार्टमेंट में रह रही हूं और मेरी माँ उनसे मिलने आती है। यह मुझे पागल कर देता है। बिग बॉस 17 में शॉकिंग एलिमिनेशन के बाद नावेद शो से बाहर हो गए। वहीं बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद नावेद ने अभिषेक संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अपने और अभिषेक के रिलेशनशिप को लेकर कहा, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अभिषेक पर क्रश है। रणदीप हुड्डा और लीन रैशराम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। कथित तौर पर ये जोड़ा इस साल नवंबर में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। फिलहाल रणदीप हुड्डा को पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड लीन के साथ स्पॉट किया गया। शादी की अफवाहों के बीच कपल लंच डेट पर जाते नजर आए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।